नमस्कार दोस्तों, अभी राजस्थान में 16वीं विधानसभा का गठन हुआ, नई सरकार बनी। अब से आगे की जितने भी नई सरकार की योजनाएं हैं, ये शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट और शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इसके अलावा पटवार और सीटी, अन्य जो भी प्रकार के कंपटीशन राजस्थान में लगेंगे उसमें ये योजनाएं सरकार की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। हम डेली इस पे करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बन सकते हैं वो चर्चा करने वाले हैं। आप क्लास को ध्यान से देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहला फैक्ट है लोकसभा आम चुनाव 2024। अभी भारत में 17वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा के चुनाव आगे मई 2024 में होंगे। उसमें जितने भी नए मतदाता हैं जिनकी एज अभी 18 आगे होने वाली है, उनके लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार कर रहा है, जिसके लिए 6 जनवरी से विशेष अभियान चला रहा है। तो जो मतदाता सूची होती है उसका निर्माण करने का जो अधिकार है, उसका गठन करने संबंधी जो निर्देश दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। लोकसभा के चुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला फैक्ट है जो आप किससे रिलेटेड है वो देखिए, केंद्र सरकार अभी भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की योजना है ये। इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई हैं उसका प्रचार और प्रसार वो आम जन तक पहुंचा रही है। आपके क्वेश्चन बनेगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की राजस्थान में कब से प्रारंभ हुई? 16 दिसंबर 2023 से ये प्रारंभ हुई है यात्रा, और ये 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। इस यात्रा का उद्घाटन राजस्थान में महारानी कॉलेज जयपुर से किया गया है। नेक्स्ट, अगला फैक्ट है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली थी पीछे 15 दिसंबर 2023 को। आज राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला अधिवेशन प्रारंभ हो रहा है 20 दिसंबर से, और दो SIT गठित की गई, पेपर लीक मामले में जांच के लिए SIT बनाई, और एक संगठित अपराध को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। राजस्थान में अपराध को रोकने के लिए नई फोर्स का गठन किया गया, उसका नाम आपसे पूछ सकते हैं तो आपको बताना है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, डॉक्टर CP जोशी से वासुदेव देवनानी ने शिष्टाचार की मुलाकात की। आप देखेंगे 15वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे CP जोशी, अभी नए अध्यक्ष बनेंगे वासुदेव देवनानी। जब नया अध्यक्ष बनता है तो पहले वाले अध्यक्ष से शिष्टाचार की मुलाकात करता है, तो इसलिए ये नए वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं और ये पहले वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुलाकात की है इन्होंने से विधानसभा में। नेक्स्ट, इससे अगला फैक्ट जो है राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर को लेकर के हैं। प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपने देखा कि ये अस्थायी अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल, और नया प्रोटेम स्पीकर बना है कालीचरण सराफ। 16वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन बना? कालीचरण सराफ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवालय में उच्च अधिकारियों की बैठक। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बैठक बुलाई है, और ये बैठक बुलाई कि राजस्थान दौरे पर वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आ रही हैं उसको लेकर बैठक बुलाई गई है। तो मुख्य सचिव राजस्थान में वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा है, और ये दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, उनका नाम था कुशल सिंह। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है BT कपास में गुलाबी सुंडी प्रकोप हेतु प्रबंधन। अभी कपास की फसल में एक रोग चलता है जिसका नाम है गुलाबी सुंडी, और उसको लेकर के प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में कपास की खेती ज़्यादा होती है, उस क्षेत्र में ये गुलाबी सुंडी नामक रोग कपास की खेती के लिए है। फसलों का कृषि का टॉपिक सभी के टॉपिक में सिलेबस में है, तो उसके फसलों के जो रोग होते हैं उसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो कपास का सबसे खतरनाक रोग है ये गुलाबी सुंडी, ध्यान में रखना है।
और उसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो ये हमने नई सरकार के गठन के बाद में जो जो फैक्ट आपके पेपर से रिलेटेड बन रहे थे उनकी चर्चा की। धन्यवाद।